हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सिल्पीज किचन में। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ, अधिकतर सभी लोगों को बहुत पसंद होती है। वीडियो क्या है, बहुत छोटा सा है, लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो बेल आइकन, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। चलिए आज की रेसिपी देख लेते हैं। आज की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ मैंने मीडियम साइज के प्याज ले लिए हैं। पहले इनको हम कट कर लेते हैं, क्योंकि आज की रेसिपी प्याज की होने वाली है। गर्मी का टाइम है, आज तक हम प्याज की नई नई रेसिपी ट्राई करते रहते हैं, उनमें से एक यह रेसिपी है। मैं रफली पतला पतला इस तरह से इस प्याज को चॉप कर लूँगी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा प्याज को चॉप करने में, बहुत ही जल्दी प्याज चॉप हो जाएगी। प्याज को मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। इसको अब बड़े से बर्तन में पलट लेते हैं और इसको इस तरीके से मसल मसल कर पूरा एक एक लच्छा खोल देते हैं, क्योंकि प्याज हमें एकदम खुली हुई चाहिए। इस तरीके से हाथ से मसल मसल कर इसको खोलेंगे। अब हम इस प्याज में डालेंगे आधा टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, आधा टेबल स्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, बहुत ही बढ़िया कलर आएगा इससे। आधा टीस्पून मैंने यहाँ लिया है चाट मसाला। अगर चाट मसाला नहीं है तो आप नींबू या अमचूर का भी प्रयोग कर सकते हैं। आधा टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, एक चॉप की हुई हरी मिर्च, आप चाहें तो यहाँ पे हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं। साथ में डालेंगे अजवाइन, अजवाइन को हम थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे तो इससे बढ़िया फ्लेवर आएगा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया। अब बाइंडिंग के लिए हम यहाँ डाल रहे हैं चावल का आटा। ये 4 टेबल स्पून चावल का आटा है। अगर चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लावर या फिर मैदा या बेसन का भी प्रयोग कर सकते हैं। चावल के आटे से ये ऑनियन जो पानी छोड़ती है ना, वो ऑब्जर्व कर लेगी और ये मॉइस्ट नहीं होगी, और इससे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी फ्लेवर आएगा। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ लिया है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर की जगह आप यहाँ पे मैदा का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर अरारोट का भी प्रयोग कर सकते हैं। नमक हम अभी नहीं डालेंगे, नमक हम थोड़ी देर में डालेंगे। अब सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इसको रेस्ट पर रख देते हैं। अब यह हमने ले लिए हैं 4 उबले हुए आलू। अब इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, इसकी जगह आप कुटी हुई लाल मिर्च का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओरिगैनो 1/2 टेबल स्पून, इसकी जगह आप कोई भी पिज़्ज़ा हब्स का यूज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। नमक स्वादानुसार। अब इन आलुओं को अच्छे से हम फोड़ लेंगे, बिल्कुल भी इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए। अब इसकी हम छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेते हैं। देखिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बॉल्स आराम से बन जा रही हैं। देखिए इस तरह से हमने सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली थी हैं। इसको अब यहाँ हमने लिए 2 टेबल स्पून के करीब मैदा, इसका एक पतला सा घोल तैयार कर लेते हैं। आप मैदा भी ले सकते हैं या फिर कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं, इस बाइंडिंग में बहुत ही अच्छा रहता है। अब इसको करते हैं हम साइड। और हमने जो ऑनियन रखा था अब उसमें भी हम डाल देते हैं नमक। नमक संभाल कर डालिए, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। साथ में डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून के करीब कसूरी मेथी, इसका बहुत ही बढ़िया पकौड़ों के अंदर फ्लेवर आता है। आप इसकी जगह करी पत्ता या धनिया भी ले सकते हैं। अब हमने लेना है एक बॉल, इस मैदे वाले घोल में इस तरीके से डालना है और इस तरह से निकाल कर जो हमने ऑनियन काट के रखा है उसमें इस तरीके से डाल देना है, और प्याज को सब तरफ से इस तरीके से इसके ऊपर चिपका देना है और दबा दबा कर इसके ऊपर चिपका देना है। देखिए इस तरह से ऑनियन इसके ऊपर चिपक जाएगी पूरी तरह से। ऐसे ही बना बना कर बॉल्स रख लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इन पर प्याज लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ।
गैस पर कढ़ाई में ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इस बॉल्स को इस तरीके से हम इसमें डालते जाएंगे, बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अंदर से आलू हमारा पका हुआ है और ऊपर से बस हमें प्याज को ही क्रिस्प करना है। उलटते पलटते इनको हमें दोनों तरफ से ब्राउन करते हुए फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमने इस हाई फ्लेम पर ही हम इनको फ्राई कर रहे हैं। देखिए बहुत ही जल्दी क्रिस्पी हो जाएंगे। उलटते पलटते जब दोनों तरफ से ब्राउन हो जाएंगे तभी हम इनको निकाल लेंगे। देखिए कितने मस्त बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। इसी तरह हम बाकी के भी फ्राई कर लेते हैं। हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है इनको फ्राई करने में। प्लेट में निकाल लेते हैं। लीजिए बनकर तैयार है क्रिस्पी हमारे प्याज के पकौड़े। ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर का लुक। ये देखिए देखने में लग रहा है एकदम चीज और पनीर के पकौड़े हैं। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आया है। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय।